रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ये जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें दिल्ली इन तीन है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी चैनल को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए को लाइक कीजिए बहुत शुक्रिया आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहला एमसी है द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज Halogens है सारे और उनमें कह रहे हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है तो उसका जवाब होता है फ्लोरिन फ्लोरिन इज द स्ट्रॉगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द अमंगलोजेंस दिस ऑफ द फॉलोइंग ड नॉट बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट इनमें से कौन डी ब्लॉक एलिमेंट एलुमिनियम नहीं है एलिमेंट सिल्वर गोल्ड है पहला ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है सिल्वर भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है ग्रुप वन बी में होता है एलुमिनियम भी डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं ये 3A का है ये ग्रुप थ्री ए का एलिमेंट है और लास्ट वाला जो कॉपर है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है मेटल है ग्रुप वन बी में होता है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड बनाता है अब उसने साफ कहा है अल्कली मेटल तो लिथियम और सोडियम में से जवाब होना है जवाब सोडियम है लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है बेरिलियम और मैग्नीशियम यहाँ पे क्यों ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि अल्कली मेटल का कहाव है ये अल्कली मेटल है ही नहीं ये तो है तो अल्कलाइन अर्थ मेटल है ऑरेंज कलर ऑफ पोटेशियम डायक्रोमेट चेंज इन टू येलो कलर बाय एडिंग पोटेशियम डायक्रोमेट का ऑरेंज कलर येलो हो जाता है क्या ऐड करने पर के ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस ऐड करने पर येलो हो जाता है और अगर ऐसे डाड करेंगे तो रेड हो जाएगा अलकली मेटल्स वेन डिजोल्व इन वाटर फॉर्म अलकली मेटल लाइक सोडियम वगैरह जब पानी में डिजोल्व होते हैं ये बनाते हैं अलकली स्ट्रॉन्ग बेस लाइक एन एच के ओ एच साथ हाइड्रोजन गैस बनती है तो यहाँ पर अलकली का ऑप्शन मौजूद है या स्ट्रॉन्ग बेस का ऑप्शन होता तो उसको हम मार्क करते वीक बेस नहीं बनता दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर इनमें से कौन कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है पॉलीविनाइल एसिटेट बेटे जनरली जिन पॉलीमर्स के नाम में पॉली आ रहा होता है वो कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं होते वो एडिशन पॉलीमर हो ठीक है स्टार्च एक कंडेंसेशन पॉलीमर है नायलॉन भी कंडेंसेशन है बेक्लाइट भी कंडेंसेशन पॉलीमर है यहाँ कहा है तो पॉलीविनाइल कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है द द प्रोसेस टू इंक्रीज क्वालिटी ऑफ पेट्रोल पेट्रोल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंक्रीज करने के लिए क्या प्रोसेस यूज होता है रिफॉर्मिंग आइसॉक टेन बनाते हैं जिससे नोकिंग no कम होती है पेट्रोल की क्वालिटी इंप्रूव होती है ल्यूकस रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ ल्यूकस रिएजेंट जो होता है वो मिक्सचर होता है किसका ZnCl2 और HCl ठीक है और ये वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री अल्कोहल में क्या करता है डिस्टिंग करता है ठीक है जी आगे की तरफ बढ़ेंगे हमारे नवा एमसीक्यू है एल्डिहाइड एंड कीटोन आर कैटेलाइटिकली कन्वर्टेड इन टू अलकेन बाय प्रोसेस नोन एज एल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करते हैं कैटलिस्ट है है, की मदद से

ओजोन द प्रेजेंट होता है वो कौन सा एटमॉस्फेयर का रीजन है स्ट्रेटोस्फीयर बेसिकली ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर पे ओजोन तो ट्रोपोस्फेयर पे भी होता है बट द बेस्ट आंसर इज स्ट्रेटोस्फीयर साइनोएक्राइलेट इज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ सुपर ग्लू सुपर ग्लू में होता है साइनोएक्राइलेट ठीक है द मेन प्रोडक्ट फॉर्म ऑन ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट इज

कंपाउंड गि बिलो ऑबे मार्कोनिक ऑफ रूल ऑन रिएक्शन विद एक्ससीएल इनमें से सिर्फ एक कंपाउंड ऐसा है जो रूल को ऑबे करेगा जब उसका एक्ससीएल से रिएक्शन हो तो बेटा मार्कोनिक ऑफ रूल वो कंपाउंड फॉलो करते हैं जो अनसिमेट्रिक हो मिसाल के तौर पर देखो इसको अगर मैं यहाँ से तोड़ता हूँ ये दोनों साइड इक्वल है ये सीमेट्रिक है ये जवाब नहीं है इसको यहाँ से तोड़ता हूँ यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो भी दोनों साइड बराबर है ये भी सीमेट्रिक है मार्कॉनिक ऑफ अपलाय नहीं होता इसको तोड़ेंगे दोनों साइड इक्वल है मार्कॉनिक ऑफ अप्लाय नहीं होता इसको जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वहां से तोड़ते हैं इसको अगर तोड़ लें दोनों नहीं है इसका मतलब है इस ही पर रूल मारकोनिक्लाई प्रोड्यूस अल्कोहल पायन अल्कोहल से बनता है एलिमिनेशन वाटर रिमूव होता है एलिमिनेशन होती है इथाइल ब्रोमाइड वैन ही उसको ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब हीट करते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो ईथर बनता है स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट शोस द रिलेशन बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड वेवलेंथ इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ठीक है नेक्स्ट है टैरलीन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर इट्स मोनोमर आर टैरलीन जो है कंडेंसेशन पॉलीमर है इसके मोनोमर ये पुरानी बुक में था वैसे नई में तो मुझे नहीं दिखा हो सकता है हो बेंजीन डायोइक एसिड एसिड जिसे हम कहते हैं और इथिलीन ग्लाइकोल का ये पॉलीमर है प्लास्टिक है बॉटल्स बनती हैं इससे फिश नेट्स वगैरह बनते हैं और भी बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होता है तो दिस इज आर द ऑफ दिल्ली कॉलेज आई होप के आपको ये समझ आए होंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये लेक्चर भी जस्ट लाइक अदर लेक्स ख्याल रखिए बेटे अपना और वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अल्लाह हाफिज़